भगवत श्रोताओं, पूरी रात हो गई, मैया यशोदा को नींद ना आई। कृष्ण को गोदी में बिठाई लियो और जवाब दो, कन्हैया तू हमसे ठीक तो बोल रहा है, झूठ तो नहीं कह रहा है। भगवान बोले, मैया तू हम पे भरोसा करे, मैं परसों लौट आऊंगा। मैया यशोदा ने माथे पे चुम्बन करो और जवाब दो, कन्हैया हमें बताए, मुझे हृदय से ये लगता है कि तू लौट के नहीं आएगा। जवाब दो कि माँ रोए रोए के मत रुलाबे, ग्वाल वाल इकट्ठे है गए तो सखियां जो थी वो भगवान से बोली कि गोविंद हमें पता है तुम काय को जाए रहे। बोले क्यों? बोले आप इसलिए जा रहे हो, यहाँ वहां ज्ञान बान दानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमारी हैं, यहाँ घास फूस के बने छप्पर से डले हैं, मढ़ियां पड़ी हैं और वहां पर महल और अटारी हैं, यहाँ जरा सी छाछ पे आपको लोग नचाते हैं, वहां 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे, यहाँ पर ग्वालनियां आपको छाछ पर नचाती हैं, डंडे मारती हैं, आपको वहां जो यहाँ की पुरियां साग और सब्जी बनाते हैं, आप वहां राज रानियों के हाथ से भोजन करेंगे। हमें जब मालूम पड़ रही है कृष्ण यहाँ आपका मन भर गया, अब आप लौटने वाले नहीं हो। राधा ने तो इतना बड़ो गजब कियो, रथ के आगे वाले पहिया से लेट गई और जवाब दो, कन्हैया आप कुछ भी करो, अगर आपको इस ब्रज को छोड़ के जाना है तो ये दोनों रथ के पहिया हम दासी के ऊपर से निकाल दो, ये रथ के पहिया यहाँ से ले जाओ निकाल के, मैं अगर मर जाऊं तो आप मुझे पीछे मुड़े के मत देखना, लेकिन जीते जी तो श्याम सुंदर मैं आपको ब्रज छोड़ के नहीं जाने दूंगी। राधा जब रोई है तो भगवान ने छाती से लगाई ली, अरे पगली तो ये कृष्ण पे भरोसा ना है का, मैं परसों लौट आऊंगा। राधा बोली, ये कन्हैया ब्रज के लोग कहा करते थे कि आप बहुत बड़े छलिया हो, लेकिन आज दिन तक मैंने ये नहीं कहा कि आप छलिया हो, लेकिन आज आप मुझे छोड़ के अगर चले गए तो ये निश्चित हो जाएगा कि आप छलिया हो। कृष्ण मत जाइए, और रोई के राधा ने छाती से लगायो है। कृष्ण बोले, रोए रोए के मत रुलावे, हमें जाने दे। राधा बोली है, कृष्ण कान्हा से राधा बोली और आंखों में आंसू भर के, न जाओ मन मोहन राधा कहो वही रो रहे वृक्षों पे, पनघट भी सूना सूना कन्हैया सब देखी याद करके, न जाओ मन मोहन राधा कह रो करके। कृष्ण
जाइए।